नमस्कार, मैं हूं मयंक सक्सेना। स्वागत है आपका इंडियन न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की। भिंडाना देहात ने 5,000 के इनामी फरार दो आरोपियों को गिरफ्तार किया। एक माह पहले जान से मारने की नियत से चलाई थी गोली। भिंड पुलिस अधीक्षक डॉक्टर आसित यादव के निर्देशन में देहातरी पुलिस अधीक्षक संजीव पाठक, नगर पुलिस अधीक्षक अरुण कुमार के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी देहात निरीक्षक मुकेश शाकी के नेतृत्व में जिला भिंड में अवैध शराब, अवैध हथियार व गुंडा बदमाशों व स्थायी वारंटियों पर लगातार अभियान चलाकर धरपकड़ की कार्रवाई जारी है। 7 मई 2024 को शिवहर का पूरा BTI रोड पर महावीर नगर में रहने वाले दो भाइयों ने अपने जीजा के साथ मिलकर अपने घर के बाहर खड़े राघवेंद्र खटीक को पुरानी रंजिश को लेकर गोली मार दी थी, जिस पर थाना उक्त घटना को लेकर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर असित यादव द्वारा थाना प्रभारी देहात निरीक्षक मुकेश कुमार को घटना में शामिल सभी आरोपी गणों को गिरफ्तार करने हेतु निर्देश दिए थे, जिसमें एक आरोपी को घटना के कुछ दिनों में ही गिरफ्तार कर लिया गया था तथा शेष फरार दो आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस अधीक्षक आसित यादव द्वारा 5,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया था। मुखबिर की सूचना पर शेष दोनों फरार इनामी बदमाशों को लाहार रोड भिंड से गिरफ्तार किया गया। उक्त सराहनीय कार्य में निरीक्षक मुकेश कुमार, उप निरीक्षक नागेश शर्मा, उप निरीक्षक विजय शिवहरे, सहायक उप निरीक्षक रामेश्वर दयाल भारती, प्रधान आरक्षक गुरदास, सोनेन्द्र सिंह, नवीन पचौरी, विनोद कुमार, आरक्षक संदीप राजावत, ज्ञानेन्द्र मिश्रा, भूपेंद्र राजावत, अनिल जाट, देवेंद्र शर्मा, राहुल शाक्य, अतुल पांडे, दीपक जादौन, राधा तोमर आदि की महत्वपूर्ण भूमिका रही। इंडियन न्यूज 28 के लिए कैमरामैन मुस्कान के साथ ब्यूरो चीफ दिलीप सिंह सेंगर की रिपोर्ट।